ऑल पार्टी मीटिंग में जो एक प्रपोजल लाया गया जिसके अंदर यूनिलेटरल सीज फायर की बात की गई रमज़ान और अमरनाथ यात्रा को देखते हुए, जिस तरह से पत्थरबाजी के इंसिडेंट कुछ दिनों से तेज़ हो चुके हैं जिसकी मुज़म्मत हर सेक्टर ने की है, ख़ास करके चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी उस दिन शाम को उस फैमिली के साथ मिलने गए जिन्होंने अपना बच्चा खोया और पूरी तरह से ये कहा कि सभी टूरिस्ट महफूज हैं और जम्मू कश्मीर सरकार पूरी तरह से उनकी सलामती के लिए तैनात है। और जिस तरह से चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु ने भी मैडम महबूबा मुफ्ती से ये कहा कि काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनकी जो है सही तरीके से उनको तमिलनाडु पहुँचाया जाए, वहीं इस प्रपोज़ल को लेकर कई लोगों ने ये भी कहा कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, वो ये नहीं देखते कि कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा पावन महीना है, चाहे वो रमज़ान का हो या फिर अमरनाथ यात्रा हो या फिर ईद हो। इसी सब पे हम बात करेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से MLC फिरदोस टाक जी से। फिरदोस साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिरदोस साहब, ये जो प्रपोज़ल लाया गया है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर मैडम के साथ खड़े थे जब मीडिया के साथ बातचीत हो रही थी, लेकिन यहाँ आके चीफ स्पोक्स पर्सन ये कहते हैं कि हम इस प्रपोज़ल के साथ कंसेंसस नहीं देते। क्या आपको लगता है कि ये प्रपोज़ल कहीं हद तक जो पत्थरबाजी के इंसिडेंट तेज़ हुए हैं या फिर जो आतंकी गतिविधियां तेज़ हुई हैं उनको कुछ विराम लाने के लिए सही रहेगा? देखिए, पहले तो हमें एक खुले माइंडसेट से ये सोचना होगा कि रियासत की वज़ीर आला जो यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं, वो अगर कोई एक ऐसा सजेशन देती हैं तो डेफिनेटली उस सजेशन के पीछे कुछ वजूहात होंगी। पहले हमें ये सीखना होगा, मैं बार बार ये कहता हूँ कि PDP की नीयत पे शक करना छोड़ दें, हम जैसा नेशनलिस्ट शायद कोई और नहीं होगा। अगर हम कोई बात करते हैं तो नेशनल इंटरेस्ट में ही बात करते हैं, अपना अपना सोचने का नज़रिया है। बात यह है कि आपने ऑपरेशन ऑल आउट किया, हमने पत्थरबाजों को बंद किया, हम PSA लगा रहे हैं, हमने एमनेस्टी दी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक मिलिटेंट मारते हैं, 5 मिलिटेंट नए रिक्रूट होते हैं। और एक जो टैबू था, एक जो बात बार बार आती थी कि अनएम्प्लॉयड यूथ मिलिटेंट्स बन रहे हैं, जो गरीब खानदान से बच्चे हैं वो मिलिटेंट बन रहे हैं, लेकिन आज सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। आज की डेट में आपने देखा एक PhD स्कॉलर, एक PhD करके एक बच्चा जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में है, 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, वो भी मिलिटेंट बनता है और विद इन वन डे जो है वो मारा जाता है। तो ये सर्कमस्टांसेस हैं जो कश्मीर की हालात की सही अकासी करते हैं। इन हालात में जो मेन प्रॉब्लम ये है कि आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप डायलॉग इनिशिएट करते हैं, विद इन कश्मीर आप डायलॉग इनिशिएट करते हैं, लेकिन वो डायलॉग इनिशिएट करने के लिए आपको एक साजगार माहौल चाहिए, आपको एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे पत्थरबाजी ना हो, जहाँ पे एनकाउंटर ना हो रहा हो, आपके रिप्रेजेंटेटिव मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इलाकों में जाए, लोगों से बात करें। उसी लिए सभी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज, जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, CPIM और जितनी भी यहाँ पे पोलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी तरफ से एक प्रपोज़ल आया कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर से मिले और स्टेट की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से एक रिक्वेस्ट करें कि एक यूनिलेटरल सीज फायर दिया जाए, एक विंडो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी, एक विंडो यहाँ की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ को मिलेगी, ताकि जो पोलिटिकल एंगेजमेंट की हम बात करते हैं, हम रिकन्सिलेशन की बात करते हैं, नौजवानों को मेन स्ट्रीम के दायरे में लाने की बात करते हैं, उसके लिए हम एक एफर्ट कर पाएँ, हमें एक विंडो मिल जाए ताकि हम वो कर पाएँ। इसीलिए ये प्रपोज़ल आया था, एक प्रपोज़ल है जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस करें, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डिसीजन लेगी वो उनकी अपनी इच्छा है। फिर तो साहब, जहाँ आपने बात की कि आज जो युवा है मिलिटेंसी की तरफ जा रहा है, वहीं पर एक युवा ऐसा भी है, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, IAS के अंदर टॉप किया है कश्मीर से युवक और ऑल ओवर इंडिया में 36th रैंक आया है, एक युवा ये भी है। दूसरा युवा अगर मिलिटेंट एक्टिविटीज़ की तरफ इन्वॉल्व हो रहा है, उनके साथ एंगेज हो रहा है, तो कहाँ सरकार की ऐसी नीतियाँ हैं जो उनको मतलब उस तरह से नहीं मतलब मेन स्ट्रीम में रख पा रही और वो लोग आज मेन स्ट्रीम से हट के मिलिटेंसी ज्वाइन करें? हालांकि अभी एक मिलिटेंट को पकड़ा, जिस आतंकी को, उसने ये अपने दोस्तों को कहा कि आप वापस आ जाइए,
हम लोग जो है गलत रास्ते पे चल रहे हैं। आज कुछ लोग हैं वापस आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे छिटपुट लोग हैं जो आज भी उन लोगों को उसी तरफ उकसा रहे हैं। देखिए, आप स्टेट गवर्नमेंट खासकर इस डिस्पेंसेशन की बात करें तो पहली बार जो स्टेट गवर्नमेंट का कंप्लीट फोकस है वो युवा पे है। चाहे हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी देखें, एजुकेशन सेक्टर में देखें, या जो अभी गवर्नमेंट ने नया एक इनिशिएटिव किया है मुफ्ती मोहम्मद सईद जो स्कॉलरशिप हमने शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ के बच्चे जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे वो बाहर की यूनिवर्सिटियों में जिसमें ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी शामिल वो जाके पढ़ाई करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट उनका खर्चा देगी। तो कंप्लीट फोकस जो है युवा है, लेकिन उसके लिए हालात चाहिए। आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है और आपके पास वो वॉइसेस कश्मीर में हैं जो इस वायलेंस के खिलाफ, तशद्दुद के खिलाफ, गन कल्चर के खिलाफ, स्टोन पेल्टिंग के खिलाफ वॉइसेस हैं, लेकिन उन वॉइसेस को ऊपर आने के लिए, उन वॉइसेस को एनकरेज करने के लिए मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप उस सोसाइटी में, उस जगह जाके आप बात नहीं कर पाते हैं जिस मोहल्ले में, जिस गांव में चार बच्चे, पांच बच्चे सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में मारे गए। आप उनको जाके क्या बताएंगे कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट क्या होती है? आप उनको ये क्या बताएंगे कि एक नौजवान ने गन उठाई, उस गन के जवाब में जब गन चली तो तीन लोग और मर गए? आप एक माहौल क्रिएट करते हैं जहां पे आप एंगेजमेंट करते हैं, जहां पे आप लोगों से बात करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमने पहले भी ये किया है, ये कोई नई बात नहीं है। 2000 जब वाजपेयी साहब का टाइम था, उन्होंने यूनिलेटरल सीज़फायर किया, उस वक्त पीस रेस्टोर हुआ, लोगों से बात हुई, पॉलिटिकल चैनल्स खुले, डायलॉग के चैनल खुले, पीस के चैनल खुले और पीस एस्टेब्लिश हुआ। हमने मिलिट्री ऑफ सॉल्यूशन करके देखा, हम पिछले 30 सालों से मिलिटेंट मारते आ रहे हैं, हम 30 सालों से लोगों को अरेस्ट करते आ रहे हैं, उसका सलूशन नहीं। आज तक जो भी एक्सपेरिमेंट कामयाब कश्मीर में हुआ है वो सिर्फ पॉलिटिकल एंगेजमेंट का हुआ है, वो सिर्फ डायलॉग का हुआ है, वो सिर्फ रिकन्सिलेशन का हुआ है। तो एक ऐसी चीज़ जो हमें मालूम है इसमें सक्सेस रेट ज़्यादा है, तो वो करने में हमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? फिर दोस्त साहब, एक आखिरी सवाल, टूरिज़्म का सीज़न आ चुका है, कश्मीर की तरफ जब रुख करने का टाइम होता है तो ये जो एक इंसिडेंट हुआ है जो बड़ा ही शर्मनाक है, हमारा एक चेन्नई का युवक मारा गया, घूमने आए थे, गुलमर्ग जा रहे थे, कुछ दिन पहले सलमान खान आते हैं, मैडम से भी मिले, रेस 3 की शूटिंग चल रही थी और काफ़ी सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की गतिविधियों से कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जो है टूरिज़्म का कम हो रहा है। क्या आप अपील करेंगे आज, आपको हमारे जेके मीडिया के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में लोग सुन रहे हैं, जो लोग कश्मीर में आना चाहते हैं उनके दिल में एक डर सा पैदा हो चुका है? देखिए, सच पूछिए तो मैं खुद शर्मिंदा हूँ जो इंसिडेंट हुआ। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि ये शायद वही बाप जानता होगा जो बच्चे को कहीं घुमाने लाया हो और फिर उसकी लाश जो है कंधे पे लेके वापस जा रहा हो। लेकिन इस इंसिडेंट को हर कश्मीर के बंदे ने, कश्मीर के नौजवान ने, कश्मीर के बुज़ुर्ग ने, कश्मीर की महिला ने इस इंसिडेंट को रिजेक्ट किया है, इस इंसिडेंट को कंडम किया है। और ये बात भी हकीकत है कि कश्मीर जैसा मेहमान नवाज शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और इस चीज़ की गवाही ये भी देता है कि आज तक पूरी जितना भी ये मिलिटेंसी और अनरेस्ट का 30 साल गुजरे हैं, आज तक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन एक इंसिडेंट हो चुका है। इसके रेप्रिकॉशंस होंगे, मुझे मालूम है लोगों में डर तो होगा, अगर मैं भी अपने बच्चे लेके जाऊं तो शायद मुझ पे भी डर होगा, लेकिन मैं फिर भी लोगों से ये अपील करूंगा कि ये एक सोची समझी साजिश है कश्मीर की इकॉनमी को ब्लॉक करने की, कश्मीर के लोगों को बदनाम करने की। उस साजिश का मुंह तोड़ जवाब हम तभी दे पाएंगे जब हम वापस वहाँ पर जाएँ और उन ताकतों को बता दें कि आपने जो करना है वो आपने कर लिया, लेकिन हम फिर भी वो भरोसा, वो ट्रस्ट, वो कॉन्फिडेंस जो है वो हम नहीं गंवा देंगे। आप देख लीजिए कि जिस टूरिस्ट जो टूरिस्ट का ग्रुप था जो जिस पे ये अटैक हुआ, उसमें वो फैमिली जिनके बच्चे की डेथ हुई वो वापस चली गई, लेकिन जो बाकी टूरिस्ट थे वो कश्मीर में उन्होंने स्टे किया, वो घूमते रहे, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया और उसके बाद भी लोग आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इंसिडेंट जो है वो हमारे लिए बाई से शर्मिंदगी ज़रूर बन चुका है, लेकिन इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट कश्मीर पे और कश्मीर के लोगों पे ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। एक बात फिरदौस साहब ने बड़ी अच्छी कही कि कश्मीर जैसे मेहमानों की सेवा करने वाले लोग कहीं पे भी नहीं मिलेंगे देश के किसी भी कोने में। ये लोग हम नहीं कहते, ये लोग वो टूरिस्ट कहते हैं जो जब कश्मीर से वापस जाते हैं। आज जम्मू कश्मीर टूरिज़्म का एक फेसबुक और ट्विटर पोर्टल है
उस पर बड़ा अच्छा एक वीडियो था, जिस तरह से फिरदौस साहब ने कहा वो लोग जो घूमने आए हुए थे चेन्नई से, जिनकी एक फैमिली के साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ, बाकी लोग अभी भी कश्मीर में हैं, और उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया है और उन्होंने कहा है कि हमारी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर सरकार ने दी है। जिस तरह से मैडम ने खुद उनकी फैमिली से मिले और उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग आइए, कश्मीर की खूबसूरती का मज़ा लीजिए। कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं ताकि टूरिज़्म ब्लॉक हो, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा यहाँ पर तत्पर है। अमरनाथ यात्रा आ रही है, सभी लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग आइए जम्मू और कश्मीर में, अमरनाथ यात्रा को बड़े ही अच्छे तरीके से इंजॉय कीजिए, और जम्मू कश्मीर टूरिज़्म और जम्मू कश्मीर सरकार आप लोगों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर तत्पर है। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ, जेके मीडिया के लिए।